ये जो टेक्नोलॉजी है जनरेटिव एआई, ये काफ़ी रीसेंट टेक्नोलॉजी है। तो जो इसका जो पहला बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट आया वो लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में आया। हमने अराउंड मई अप्रैल और अराउंड एंड ऑफ मई अर्ली जून लॉन्च किया था ये, और उसके बाद हमने इंडिया में उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था एक्चुअली। तो जो इनिशियल जो टेस्ट किया था हमने इंडिया में, वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर के साथ किया था। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट को एंटरप्राइज ग्रेड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि बड़े बड़े बैंक यूज कर सकें, ऊबर यूज कर सके, सिटी बैंक यूज कर सके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूज कर सके, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जो है वो हमने 5-6 महीना वो टाइम लिया, क्योंकि उसको हम सिक्योर बना सकें, जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन कर सकें, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रह सके। और उसके बाद हमने जो है 5 महीने के बाद रिलीज कर दिया दुनिया के लिए। तो मेरे हिसाब से जो है 4-5 महीने का टाइम लेना, जिससे कि लोगों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इन सबको जो है, इन सब के ऊपर टाइम दिया जा सके, इन सबको जो है प्रॉपर बनाया जा सके, जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सकें कि उनका डेटा सिक्योर रहेगा, डेटा बाहर नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्या है, क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या है एग्जैक्टली, क्या आपने पेश किया है और कितना अलग है? तो ये प्रोडक्ट के पीछे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जनरेटिव एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कि क्या जैसे कि बड़े बड़े बैंक, यदि आप उनको डाटा देते हैं तो वो डेटा बाहर नहीं भेज सकते, आप उनको उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कि आप बैंक के साथ काम करते हैं, कि आपका वो डेटा किसी और को ना दे रहे हों। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें उनको सपोर्ट करना है तो हमको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के रन करना होगा, डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा जो है हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए, वो आपका जो है डेटा किसी और के मॉडल को ट्रेन करने में नहीं यूज किया जाना चाहिए, आपका जो डेटा है वो जो है क्या कहते हैं हम खुद ट्रेन ना करें उसके लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, इन एडिशन टू ऑल द कैपेबिलिटी दैट यू सॉ, वो इम्पॉर्टेंट है। जो कि बाकी लोगों का क्या है कि आप सिंपल जो है इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सको तो वो जो है दे देगा, लेकिन वो डेटा जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर हो, जो गारंटीड करे कि जो है जो आंसर है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर से ही आंसर हो, तो वो सारी गारंटी जो है ये प्रोडक्ट देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लैंग्वेजेज में जो है अवेलेबल है। तो आपने अगर डेमो देखा तो उसमें मैंने जो है डॉक्यूमेंट इंग्लिश में था और सवाल गुजराती में पूछा, और डॉक्यूमेंट मराठी में था और सवाल अंग्रेजी में पूछा। तो ये एक अच्छी चीज़ क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कि आपका जो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हाँ, तो मैं बताता हूँ। तो जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो रही है इसके पहले की, वो क्या करते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके अगर कुछ गलतियाँ हुई तो एक सेंटेंस में वो गलतियाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है बेस्ड ऑन पूरा इनपुट, जो जो सारा जो इनपुट दिया है आपने या पूरे डॉक्यूमेंट को, और अगर वो आपको समझ में आ गया और उसके बाद आप आंसर कर रहे हों तो ये एक्चुअली लाइक ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछें और मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दूं, तो ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि मैं पहले हिंदी में जवाब निकाल रहा हूं और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, राइट? मैं सोच रहा हूं और डायरेक्टली इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्ट वैसा है। तो इसमें ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा ईच वर्ड को, इसमें क्या कर रहा है कि आपके उसको समझ रहा है और उसके बाद वो जनरेट कर रहा है, और इस वजह से जो है इसमें गलतियां कम होती है और स्पेलिंग मिस्टेक और वो सब जो इनपुट में है वो आउटपुट में नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। सर, अभी हमने वेबसाइट देखी आपकी, ऊबर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सारे, क्या टारगेट है आपका आगे चल के तो हमारा टारगेट ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इन सब को जो है हम मोर एफिशिएंट बना सकें, क्योंकि इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनरली किसको सर्व करती है, आप लोगों को, राइट? अगर ये सारे लोग जो है इन सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये किसका फ़ायदा है, ये आप लोगों का। जैसे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लोन 5 मिनट में मिले राधर देन जो है 5 हफ्ते में, तो सबको फ़ायदा है ना। अगर आप जब इंश्योरेंस क्लेम करते हो अगर 3 महीने के बजाय वो 3 दिन लगे तो ये सबको फ़ायदा है ना। तो हमारा क्या गोल है कि टू इनेबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारा ये प्रोडक्ट यूज करके सारी दुनिया को बेहतर सर्विस दे सकें। तो ये मार्केट में स्टार्टिंग में लोग ऑफर देते हैं, पैसा ट्रांजेक्शन करो तो कुछ ऑफर बाद में बंद कर देता है, तो ये ऑफर आप भी दे रहे हो या बाद में बंद करने के लिए?
तो हम जो है इस बिजनेस में पिछले 7-8 सालों से हैं एक्चुअली, अगर आप देखोगे, और हमारे जो सारे कस्टमर्स हैं, हम बहुत सारे कस्टमर्स हैं पिछले 4-5 सालों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा ऑफर नहीं है जो हम बंद करेंगे, क्योंकि हम, क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस में क्या है ना, आपको देखोगे हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती हैं, बाकी जगह चीज़ों में हर साल चीज़ें महंगी होती जाती है, तो एक्चुअली जो हमारा प्राइस है और हमारा जो प्रोडक्ट है हर साल थोड़ा सस्ता हुआ है, ना कि महंगा, तो और मेरे हिसाब से वो ट्रेंड चलता रहेगा। तो लॉग इन करने के लिए आपको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है बस, और हाँ तो वो बेसिकली क्या है, पहला 500 क्रेडिट फ्री है, उसके बाद जो है हर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कितने पेज के ऊपर पूछ रहे हो, तो उसके लिए वो जो है 8 या 9 पैसे लगते हैं, 7 या 8 पैसे पर क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप सोचो कि आप जो है जैसे बड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो है आप सवाल पूछ रहे हो कि बताओ किसका की मुद्दा क्या है, 8 पैसा जो है काफ़ी सस्ता है, तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत महंगा है। तो जो क्रेडिट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो हर क्वेरी के लिए जो है बहुत ही कम है। हाँ तो चैट जीपीटी जो है ना वो इंटरनेट के डेटा के ऊपर लिखा गया है, जैसे कि आपको सवाल पूछना है कि भाई इस चीज़ का सवाल बताओ, तो उसने जो इंटरनेट से सीखा है उसके ऊपर जवाब देता है, और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल है, उसमें जैसे गूगल सर्च आप करते हैं ना तो इंटरनेट से रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन अगर आपको जो है जैसे कि आपको जो है प्रॉपर्टी पेपर खरीद रहे हो और उसने सारा प्रॉपर्टी का जो है डॉक्यूमेंट दिया, आपको गूगल सर्च से आंसर नहीं मिलेगा ना कि इसमें क्या, आप लॉयर के पास जाओगे बोलोगे भैया मेरा पेपर पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है या नहीं, राइट। तो इंस्टाबेस क्या करेगा, आप इंस्टाबेस को अपना प्रॉपर्टी पेपर दोगे, वो आपके पेपर को पढ़ेगा और उसके हिसाब से आंसर देगा, वो इंटरनेट का आंसर नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इंटरनेट के लिए अच्छे टूल हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, वो काफ़ी अच्छे टूल हैं, लेकिन कोई ऐसा टूल नहीं बनाया गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को समझे और जो आंसर दे वो बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर दे, तो वो इंस्टाबेस करता है। क्या टारगेट ऑडियंस मतलब बैंक इंश्योरेंस, जैसे बैंक जो है आपको लोन देता है आपके डेटा के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिसाइड करता है आपके डेटा के ऊपर, आपका डॉक्टर आपको मेडिकेशन देता है आपके हेल्थ हिस्ट्री के ऊपर, तो हमारे जो ऑडियंस जो हैं वो लोग हैं जो कि रियल टाइम में आपके हिस्टोरिकल जितने भी अनस्ट्रक्चर डेटा है के हिसाब से आपको सर्विस देना चाहें, तो उसके लिए बनाया गया है ये। इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है, तो across all the different industries, banking, insurance, government, the feedback has been great, and we are investing even more and more for all the existing customers. So iska feedback har jagah se, chahe banking ho, insurance ho, government ho, healthcare ho, feedback kafi acha raha hai. Sir, abhi ChatGPT ke baad Gemini bhi aa chuka hai, aapko pata hi hoga. Yeah. Technology zyada advance hoti ja rahi hai, to aise mein aap kis tarah se extra base ko update rakhenge, kitna nahi kuch saalon ke baad ye bhi हाँ, तो इंस्टाबे, तो जेमिनी, चैट जीपीटी, ये जो सारे जो टूल हैं ये सारे इंटरनेट डेटा के ऊपर बने हुए हैं, जैसे कि आपको सर्च करना है, और वो सारे एडवांस होते रहेंगे, और हमारे पास भी जो हमारा जो रिसर्च टीम है वो हमेशा बेंचमार्क करता रहता है उसके हिसाब से। तो ये जो फील्ड है ये हमने जो है ये जो मॉडल जो है हम लोग हर 2 हफ्ते में नया जो है बदलते रहते हैं, तो मतलब जो अगर AI हब जो प्रोडक्ट देखोगे हर 2 हफ्ते में हम लोग अपडेट करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, और ये ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल पे रहे जहाँ पे बाकी सारे टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हैं। हाँ हाँ, जैसे देखो कोई भी इवन अगर इंसान को भी बोलोगे लॉयर को भी वही गलतियाँ तो करते हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि गलतियाँ नहीं करता, अगर आप किसी को टाइप करने बोलते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं। तो हमने जो देखा है टिपिकली जो है जो इन जनरल जो है जो हमने जब बेंचमार्क किया है तो फॉर मोस्ट बेसिक स्टफ लाइक ये ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर करता है, मतलब 97-98%। लेकिन ऐसी अच्छी भी बात क्या है इसमें कि अगर जो है इसको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये आपको गलत आंसर नहीं देगा, ये बोलेगा कि भाई आई के नॉट आंसर यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा अवेलेबल, तो ये बोलेगा कि नाउ आई गिव अप एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रांसलेट हाँ हाँ करेक्ट। तो एक क्लारिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि
एक्चुअली काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, ये ऐप का ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ये ट्रांसलेशन ऐप नहीं है, ये ऐप आपके डॉक्यूमेंट या आपका डेटा को समझता है और उससे आप जिस किसी भी लैंग्वेज में सवाल पूछो उसमें आंसर देता है। तो ऐसा कुछ ट्रांसलेशन नहीं करे, समझ रहा है चीज़ें और उस आंसर बेसिकली अंडर द हुड क्या हो रहा है कि इट हैज वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एंड देन बीइंग एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब आंसर आप किसी अलग लैंग्वेज में पूछो तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेशन हो गया, तो आपको ट्रांसलेशन जैसा लग रहा है, लेकिन द कैपेबिलिटी क्या है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्टेंट। हाँ, तो ऐसे बोलोगे कि भाई ये रिपोर्ट पर हो और मेरे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएगा। जी हाँ, तय कि जो है पहला 500 क्रेडिट फ्री है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसके बाद जो है पर क्वेरी का 1 सेंट चार्ज किया जाता है। वैसा है तो हमने काफ़ी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से बात की एंड वी आर वेरी इनकरेज्ड बाय सीइंग हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ एआई। सब लोग एआई अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस कर सक पाए। तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन इंडिया टू अडॉप्ट ऑल ऑफ दिस। इंडिया वी हैव द राइट पीपल, वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी, वी हैव द राइट फंडिंग कैपेबिलिटीज़। तो फिर इंडिया के लिए तो यू नो स्काई इज द लिमिट एंड आई थिंक दैट वी आर एक्साइटेड टू पार्टनर विद इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट एआई। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हर इंसान के लिए यूजफुल है क्योंकि आपके वो सबसे पहले तो भाषा के बैरियर को तोड़ता है और ऑर्गेनाइजेशंस छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, क्योंकि हम सारे सिक्योरिटी कंप्लायंट हैं, आपके डेटा को सिक्योर और सेफ रखते हैं, ये सबके लिए यूजफुल है। और जो आज के दिन में स्टार्टअप्स हैं उनको अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए बहुत ही मिनिमल टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ वो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं जब जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो। तो हम पूरे देश के स्टार्टअप स्टूडेंट्स मीडिया पीपल लॉयर्स सबको एनकरेज करते हैं कि आप एक बार एआई हब ट्राई करिए, इस्तेमाल करिए और फीडबैक दीजिए, आपका काम इससे आसान होगा।